हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड ऑल माय वंडरफुल स्टूडेंट्स. गाइस, सुप्रीम कोर्ट टुडे गेव अ वेरी हिस्टोरिक जजमेंट दैट आई वुड से दैट डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस उज्जल भोयान हैव गिवन अ वेरी हिस्टोरिक जजमेंट टुडे दैट अ हाई कोर्ट एंड और अ सेशन कोर्ट can grant an anticipatory bail to an accused even if the FIR has been filed or lodged in some other state, right? Even if the FIR has been lodged in some other state. Earlier what used to be the case that you all know ki us court mein us case mein wahi high court ya वही केस सेशन कोर्ट जहाँ पर जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पर एफआईआर फाइल हुआ है, तो जिस सेशन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो फॉल करता है वही सेशन कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है. या फिर जिस स्टेट में वो हुआ होगा उस स्टेट का हाई कोर्ट उसमें जुरिस्डिक्शन रखेगा, वही एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं. लेकिन प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में आज सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियरली इस बात को रखा है कि कोई सा भी हाई कोर्ट या कोई सा भी सेशन कोर्ट कैन ग्रांट एन एंटिसिपेटरी बेल टू एन अक्यूज्ड इवन इफ द एफआईआर हैज बीन लॉज्ड इन सम अदर स्टेट. मतलब जहां पर उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, जहां पर सेशन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, जहां पर उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट डिस्पाइट दैट दे कैन ग्रांट द एंटिसिपेटरी बेल. और इसी के कारण से मैं इसको हिस्टोरिक जजमेंट कर रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 438 सीआरपीसी को बड़े ही लिबरल तरीके से इंटरप्रेट किया है जस्टिस बीबी नागरत्ना ने और जस्टिस उज्जल भोयान ने. इस केस में सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजेस ने बोला कि सिटीजन के लिबर्टी को आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, लिबर्टी से आप उसको रिफ्रेन नहीं कर सकते, उसके लिबर्टी को आप छीन नहीं सकते, कुछ कंडीशन लगा करके आप उनको लिबर्टी दे सकते हैं, राइट? आप उनको लिबर्टी दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जिसको भी इस तरह का फायदा मिलेगा, मतलब जो भी अक्यूज्ड किसी और हाई कोर्ट में, किसी और कोर्ट ऑफ सेशन में अगर एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाएगा, तो उसको ये भी साबित करना होगा कि वो क्यों उस स्टेट में जहाँ पर जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर वो क्यों नहीं गया, दूसरे हाई कोर्ट में क्यों आया या दूसरे स्टेट के सेशन कोर्ट में क्यों आया. तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि वो जिस स्टेट में जुरिस्डिक्शन है वहाँ क्यों नहीं जा रहा. तो इसके पीछे मान लो कोई मेडिकल रीज़न हो, कोई डिजेबिलिटी हो, या किसी भी तरह का उसको बॉडली हार्म या इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ इस तरह की बात हो, या किसी भी तरह का उसको मतलब कि मेडिकल, जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डिजेबिलिटी नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का बॉडली हार्म नहीं होना चाहिए, थ्रेट टू लाइफ नहीं होना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी और बॉडली हार्म नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा किसी भी तरह का इम्पेडिमेंट ओइंग टू आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए. ये सारे कंडीशंस हैं. अगर इन कंडीशंस को अक्यूज फुलफिल करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे सकती है, कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी सेशन कोर्ट जिनका जुरिस्डिक्शन नहीं भी है, उस केस में, क्योंकि केस किसी और स्टेट में फाइल हुआ है, उसके बाद भी वो उस केस में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं. तो ये बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है. केस का नाम याद रखिएगा आप, प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, राइट? और जस्टिस जो डिविजन बेंच के जस्टिस थे वो जस्टिस बीवी नागरत्ना लेडी जज है. ये वही जज हैं जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन में डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, एक सिंगल डिसेंटिंग ओपिनियन था, वो इन्हीं का था.
माइनॉरिटी ओपिनियन। और दूसरे जो जज है इस केस में वो है जस्टिस उज्जल भोयान, राइट। आई होप कि आप पूरे मैटर को आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, राइट। इसी तरह के रेलेवेंट लीगल कंटेंट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हिस्टोरिक और से आउट ऑफ द बॉक्स जजमेंट के लिए हमसे हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।